हाय एवरीवन, होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बातें करने वाला हूँ। मैं कोई रिवीजन वगैरह नहीं करा रहा हूँ आज, बट यस, आपको अपने वो 3 घंटे कैसे यूटिलाइज करने चाहिए, अपनी पेपर प्रेजेंटेशन कैसी करनी चाहिए जिससे कि आप मैक्सिमम मार्क्स ग्रैब कर सकें। देखिए, हमारा मेजर एम क्या है, मैक्सिमम मार्क्स लेना, अपने इसी अटेम्प्ट में अपने एग्जामिनेशन को क्लियर करना और नेक्स्ट लेवल पर पहुंचना, राइट। उसके लिए देखिए, आपने कितने पिछले 6 महीने से, 8 महीने से, 1 साल से जो तैयारी की थी, उन सबका आपको पूरा का पूरा परफॉर्मेंस अपने उस 3 घंटे में देना है। और मैं बता दूं कि बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। पहली चीज कि जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो कीजिए। हमारा पेपर दिन में 2 बजे शुरू होगा, 15 मिनट पहले 1:45 पर हमें क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। 15 मिनट्स बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, उसमें आपको पूरा क्वेश्चन पेपर एक बार रीड कर लेना चाहिए। एलिमिनेट करिए कि कौन सा आपको ऑप्शन में क्वेश्चन निकालना है, उसी समय आपने डिसाइड कर लेना चाहिए। वो 15 मिनट बहुत ज़्यादा यूज़ करने चाहिए। अब क्या हम अपने एग्जामिनेशन हॉल में 1:45 पर पहुंचेंगे क्योंकि 15 मिनट पहले पेपर मिलेगा? द आंसर इज नो। कम से कम, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, कम से कम 15 से 20 मिनट पहले, यानी कि 1:30 के आसपास आप अपनी सीट पर जाकर बैठे, ठीक है। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि 15 मिनट पहले आप लोग बैग लेकर अपने दोस्तों से डिस्कस कर रहे हो कि इस कंसेप्ट में क्या होता है, इस कंसेप्ट में क्या होता है, ये आने वाला है। उससे पहले प्लीज शांत हो जाइए। स्कूल में ऐसा करते थे, अब आप बड़े हो चुके हैं, राइट। तो प्लीज 1:30 के आसपास आप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाइएगा। 8-10 मिनट का समय लगता है कि हमारे माइंड को सेटल होने में, अपने अपने आप को उस एग्जामिनेशन हॉल के एनवायरमेंट में लाने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो प्लीज 1:30 के आसपास अपनी सीट पर जाकर बैठ जाइएगा। आराम से बैठेगा, कुछ मत सोचेगा, ठीक है। बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए, जितनी आपकी तैयारी है बहुत अच्छी तैयारी है ये समझ के जाइए। बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से आप लोगों को जाना होगा। तो ये बेसिक बात का आपको बिल्कुल ख्याल रखना है। दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको जो एडमिट कार्ड मिला है उसमें आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूट ने दिए हैं, उसको बिल्कुल ध्यान से आपको पढ़ना होगा। स्पेशली एक चीज जो स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं, वो अपने आंसर शीट पे कोई ना कोई अनइंटेंशनली, मैं बोल रहा हूँ अनइंटेंशनली ऐसा करते हैं, बट फिर क्या होता है, कुछ अपना रिलीजियस सिंबल बना देंगे, ओम बना देंगे, सात्विक बना देंगे, जय श्री राम लिख देंगे, 786 लिख देंगे, जीसस क्राइस्ट का सिंबल बना देंगे। प्लीज ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। इंस्टीट्यूट के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, हम हर बार देखते हैं, ठीक है, ये बातें इंस्टीट्यूट बार बार बताता है और हर बार हर रिजल्ट में देखते हैं कि किसी ना किसी स्टूडेंट का रिजल्ट हेल्ड हो जाता है, इंस्टीट्यूट रिजल्ट नहीं देता उनका। फिर उनके घर पे एक लेटर आता है कि बॉस आप कुछ अनऑथराइज्ड चीज़ें कर रहे थे, और स्टूडेंट को पता भी नहीं चलता कि वो क्या कर रहा था। फिर लेटर आता है, इंस्टीट्यूट उसको बुलाया जाता है, बट सिर्फ वहाँ पर आपको बताया जाता है, वहाँ पर वो अटेम्प्ट चला जाता है हमारा, राइट। तो प्लीज ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, कोई भी अनऑथराइज कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स प्लीज मत बनाइएगा। दूसरी चीज जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो कैलकुलेटर लेकर जाते हैं सिर्फ एक। देखिए, एक तो आपका प्राइमरी कैलकुलेटर है, वही चीजें लेकर जाइए जो आप अपनी प्रैक्टिस में यूज कर रहे थे, उसी तरह का पेन लेकर जाइए। कोई ऐसा नहीं कि स्वंकी पेन खरीदा कि आज मेरा पेपर है, फर्स्ट पेपर है, मैं बहुत बढ़िया महंगा पेन लेकर जाऊंगा, बिल्कुल ऐसा मत कीजिएगा। जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे बिल्कुल उसी कंपनी का वैसे ही पेन लेकर जाइएगा, करेक्ट। एक कैलकुलेटर तो आपको प्राइमरी लेकर भी जाना है, उसका एक बैकअप रखना है। मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि उनके आप पूरा का पूरा पेपर खराब इसलिए हो जाता है क्योंकि उनका कैलकुलेटर बीच में काम करना बंद कर गया था। तो यू शुड कैरी 1 मोर कैलकुलेटर, कोई भी आपका, चाहे वो पुराना कैलकुलेटर हो, कोई बात नहीं चलेगा, एटलीस्ट बैकअप के लिए तो होगा ना आपके पास। तो घर में आपके पास कोई कैलकुलेटर होगा, आपके किसी दोस्त के पास होगा, उधार मांग लीजिए एग्जामिनेशन डेज के लिए, पर प्लीज कैरी एटलीस्ट 2 कैलकुलेटर्स। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, इसका बिल्कुल आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बातें करते हैं कि आपका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, आप अपने पेपर को ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे। देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप हमेशा देखिए, एमसीक्यू तो आप आराम से मार्क कर लेंगे, करेक्ट। जब डिस्क्रिप्टिव की बारी आएगी तो आपको हमेशा वो क्वेश्चन पिक करना चाहिए सबसे पहले जो आपको बहुत अच्छे से आता हो। और स्पेशली मैं कहता हूँ कि आपका जो टोटल इनकम का क्वेश्चन होता है, फर्स्ट क्वेश्चन 15 मार्क्स का, वो प्लीज एंड के लिए रखिएगा। अगर आप मुझसे मेरा सजेशन लेंगे, मेरी रिकमेंडेशन लेंगे कि हमें पहले क्या अटेम्प्ट करना चाहिए, तो एमसीक्यू उसके बाद मैं आपको बोलूंगा कि पहले आप अपना जीएसटी पोर्शन पहले अटेम्प्ट करें। इनकम टैक्स के लिए और जीएसटी के लिए आपको एक सेपरेट शीट्स मिलती हैं दोनों के लिए, तो आप अपना जीएसटी पहले, ये रिकमेंडेशन है, ठीक है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स इनकम टैक्स पहले कंफर्टेबल लगे तो उनको वैसा करिएगा,
बट रिकमेंडेशन ये है क्योंकि जीएसटी थोड़ा कम टाइम कंज्यूमिंग होता है, वो जल्दी हो जाता है। इनकम टैक्स थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है, तो उसके लिए हमें हमारे पास थोड़ा सा ज्यादा टाइम होना चाहिए। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि पहले अपना जीएसटी पोर्शन कंप्लीट करिएगा, उसके बाद अपने इनकम टैक्स के पोर्शन पर आइएगा। आपको पता है इनकम टैक्स में चार क्वेश्चन आते हैं सेक्शन ए में। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है 15 मार्क्स का, जो कि क्वाइट लेंथी होता है, नो डाउट वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, आपका टाइम लेगा वो। आप तो सेकंड थर्ड और फोर्थ में से दो क्वेश्चन पिक करने होते हैं। मैं चाहूंगा कि पहले आप वो दो क्वेश्चन पिक करके पहले वो कंप्लीट करिए, फिर बाद में अपने टोटल इनकम के क्वेश्चन के ऊपर आइएगा। उसमें से भी फॉर एग्जाम्पल आप सेकेंड और थर्ड पिक कर रहे हैं, तो उसमें से भी सेकेंड और थर्ड में से सबसे पहले आपको कौन सा लिखना चाहिए जो आपको सबसे अच्छा आता हो, जो सबसे अच्छा आता हो। मैंने अभी कहा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, आपकी वहां पर आंसर शीट जा रही है इन्विजिलेटर के पास, उसी को देखकर वो आपको मार्क्स देगा, उसी को देखकर हम डिसाइड होगा कि हम क्लियर होंगे या नहीं क्लियर हो पाएंगे। करेक्ट, तो हमेशा फर्स्ट इंप्रेशन को बहुत अच्छा बनाइए अपना आंसर। लेट से आपने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट किया या 4 स्टार्ट किया, उसके सारे पार्ट्स आप एक जगह पर लिखिए। ऐसा नहीं है कि आपके अलग अलग पार्ट्स होने चाहिए, 4A यहां पर लिखा हुआ है, 4B कहीं और लिखा है, 4C कहीं और लिखा हुआ है, राइट? तो उसके सारे पार्ट्स आपको एक ही जगह पर लिखने होंगे। ऊपर हर आंसर आपका फ्रेश पेज से शुरू होना चाहिए। अगर आप सब पार्ट्स लिखना चाहें, जैसे 4A आपने लिखा और अगर आपको लगता है कि ज्यादा जगह नहीं है, तो 4B भी चाहें तो आप सब पार्ट्स भी नेक्स्ट पेज से शुरू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेपर हम बचा लेंगे अपनी नॉर्मल लाइफ में, बट एग्जाम में कोई बात नहीं, आप पेपर यूज कीजिए अच्छे से। तो जनरली मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि अगर 4A और 4B भी, अगर 4B आप कर रहे हैं तो उसको सेपरेट पेज से करिएगा। हाँ, अगर आपका कुछ ऐसा आंसर है जैसे कि आपके किसी, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 के चार पार्ट्स आ गए ABCD और वो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हैं, उसके आंसर हम 3 से 4 लाइन्स में दे सकते हैं, तो प्लीज आप उसको फिर आप आराम से एक पेज पे लिख सकते हैं। वैसा नहीं कि आप 3 लाइन लिखेंगे फिर नेक्स्ट पेज पर आइए, फिर एग्जामिनर को इरिटेट मत कीजिए, राइट? कुल मिलाकर बात यह है कि एग्जामिनर को इरिटेट मत करिए। नेक्स्ट पेज पर लिखने का लॉजिक ये होता है कि एग्जामिनर के आंखों से वो चीजें छूट ना चाहें, क्योंकि अगर उसके यहाँ से स्किप हो गई तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए जनरली अगर आपका नॉर्मल आंसर है आधे पेज या आधे से ज्यादा पेज का आता है, तो नेक्स्ट आंसर प्लीज हमेशा नेक्स्ट पेज से शुरू करें। हाँ, और अगर ऑल टुगेदर डिफरेंट आंसर है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 आपने कर लिया, सारे पार्ट्स कर लिए, और क्वेश्चन नंबर 2 आप पिक कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो तो नए पेज से ही शुरू होगा। क्लियर है? तो अपने स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से करिएगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा है। देखिए, अगर एग्जामिनर पूछ रहा है कैलकुलेट टोटल इनकम ऑफ द एसेसी, राइट, तो आप टैक्स लायबिलिटी मत निकालिए, बी स्पेसिफिक। जो एग्जामिनर पूछ रहा है, तो आपको क्वेश्चन पेपर जो 15 मिनट्स मिलते हैं ना, वो इसीलिए मिलते हैं कि आप हर क्वेश्चन के बारे में उसकी रिक्वायरमेंट पता कर लें कि आपके एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा और आप उसी का स्पेसिफिक आंसर दे रहे हो। तो जब आप अपनी हेडिंग शुरू करेंगे, लेट से आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट टोटल इनकम, लेट से, तो प्लीज आपकी हेडिंग भी ऐसी होनी चाहिए, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ द एसेसी सो एंड सो, जो भी उसका नाम है। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी, तो आपकी हेडिंग भी ऐसी होनी चाहिए कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। टोटल इनकम जनरली होता है टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी दोनों कैलकुलेट करना, तो आप अपनी हेडिंग लिखिएगा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। और अगर दोनों ही रिजीम्स पूछे गए हैं या फिर ऐसा पूछा गया है कि बेस्ट ऑप्शन क्या होगा जहां पर आपको दोनों रिजीम से निकालना है, तो प्लीज वहां पर मेंशन कीजिए कि आप कौन सी रिजीम से आंसर भी दे रहे हैं। तो पहले जनरली आप डिफॉल्ट रिजीम यूज करेंगे, तो प्लीज वहां पर लिख दीजिएगा कि दिस इज डिफॉल्ट स्कीम, और जब आप अपने ऑप्शनल स्कीम चूज करें तो वहां पर लिख दीजिएगा कि दिस इज ऑप्शनल स्कीम। तो हमेशा आपको देखना होगा कि एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट क्या है, आपका आंसर उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है? ओवरलोड मत कीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने आंसर को ओवरलोड मत कीजिएगा। देखिए, हमारे पास टाइम मिनिमम है, ठीक है, और मैं ऐसे भी नहीं कहूंगा कि बहुत कम है, एग्जामिनर आपको टाइम सफिशिएंट देता है। हमारा पेपर छूट क्यों जाता है? क्योंकि हम अननेसेसरी चीजें लिख रहे होते हैं अपने पेपर में। अपना आंसर को ओवरलोड बिल्कुल मत कीजिए। जैसे कि मान लेते हैं कि आपसे, जैसे लास्ट टाइम अभी मई 2024 में जो पेपर आया, उसमें क्वेश्चन था पर सीबीडीटी नोटिफिकेशन, हु आर द पर्सन हु आर लायबल टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम इवन इफ देयर ग्रॉस टोटल इनकम इज नॉट मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। तो वहां पर हमें क्या करना चाहिए, हम ऐसा नहीं है कि हम पूरा 199(1) पूरा लिख दें कि व्हाट आर द ड्यू डेट्स है, वहां पर हर कंपनी हर फर्म को रिटर्न फाइल करनी चाहिए। आप फालतू में ओवरलोड क्यों कर रहे हैं आंसर को? डायरेक्ट आप लोगों को बिल्कुल स्पेसिफिक हो जाइए। अगर वो 4 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें ये बोला है कि उन लोगों के बारे में बताइए जो नोटिफिकेशन में मेंशन थे, सिंपल बताइए
एज पर द सीबीटी नोटिफिकेशन, मुझे पता है नोटिफिकेशन नंबर आपको याद नहीं होगा, तो वो नोटिफिकेशन आप अपने आंसर से भी ले सकते हैं. तो एज पर द सीबीटी नोटिफिकेशन द फॉलोइंग आर द पर्सन हु आर कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम. फर्स्ट पॉइंट, अगर किसी का टर्न ओवर, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपका टर्न ओवर 60 लाख से अबव है, या फिर प्रोफेशन कर रहे हैं. सेकेंड पॉइंट, अगर आपका टर्न ओवर 10 लाख से अबव है, एंड सो ऑन. यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि आप अननेसेसरी ओवरलोड मत कीजिए. ऐसा नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा चीजें लिखकर ज्यादा नंबर मिल जाएंगे. ट्राई टू बी स्पेसिफिक. देखिए, हमारे पास लिमिटेड टाइम है और उसको हमें ऑप्टिमम तरीके से यूज करना चाहिए, राइट. नेक्स्ट बात, अपना कोशिश कीजिएगा कि अपना आंसर को पैराग्राफ फॉर्म में, अगर देखिए आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन है स्पेशली जीएसटी में जिस तरीके से आते हैं, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन अ पैराग्राफ फॉर्मेट ट्राई टू राइट इन द पॉइंट वाइज. पॉइंट वाइज आप लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर, वो आपको ज्यादा अच्छे नंबर देगा, करेक्ट. अगर बिल्कुल भी पॉइंट वाइज मान लेते हैं कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसको पॉइंट्स नहीं बन सकते, तो एटलीस्ट आप उसकी छोटी छोटी सब हेडिंग्स बनाकर आप अपना आंसर लिख सकते हैं, करेक्ट. इतनी बात समझ में आ गई है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपने पेपर को बहुत ज्यादा नीट रखने की कोशिश करें. अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप आज जाकर अपनी हैंडराइटिंग को सुधारें, नहीं, आपकी जैसी है जैसी हैंडराइटिंग है उसको वैसे ही रखें, ठीक है. कोई ऐसा नहीं कि आप वहां पर बहुत धीरे धीरे लिखेंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे आप. बट कोशिश कीजिए कि आप अपने प्रॉपर वर्किंग नोट्स बनाएं. अब देखिए, यहां पर स्टूडेंट्स अक्सर अटक जाते हैं कि क्या सर हमें हर चीज का वर्किंग नोट बनाना चाहिए. द आंसर इज नो, आपको हर चीज का वर्किंग नोट नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज आप जितने ज्यादा वर्किंग नोट्स बनाते हैं वो फिर इतना टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है प्रोसेस, राइट. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर ये टोटल इनकम का क्वेश्चन है आपके पास, अगर आपके पास एक टोटल इनकम का क्वेश्चन आया जहां पर आपको अपना हाउस प्रॉपर्टी की भी इनकम बतानी है, पीजीबी भी बतानी है और कैपिटल गेन भी बताना है, और मान लेते हैं कि वो बेसिकली मेन क्वेश्चन पीजीबीपी का है. हाउस प्रॉपर्टी आप आराम से दो तीन लाइन में सॉल्व कर सकते हैं, तो आप इसको अपने मेन आंसर में हाउस प्रॉपर्टी को सॉल्व करते हैं. पीजीबीपी आपको लगता है कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, बहुत ज्यादा एडिशन सब्ट्रैक्शन है, उसके लिए आप नोट बना लीजिए. पीजीबीपी के लिए आप नोट बना लीजिए. कैपिटल गेन आपको लगता है दो तीन लाइन में आराम से आ जाएगा, तो उसके लिए नोट बनाने की जरूरत नहीं होती. तो कोशिश कीजिए कि आपको नोट्स उसी के बनाएं जिसकी बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आपको दिखानी है, क्योंकि अगर आप सारी कैलकुलेशन एक ही जगह पर दिखाते हैं तो आंसर थोड़ा सा शैबी लगता है, इतना ठीक नहीं लगता, क्योंकि फिर बहुत सारे नंबर्स देखते हैं तो एग्जामिनर को, देखिए एग्जामिनर के पास क्या होता है एंड में, वो जब आपकी आंसर शीट चेक करता है तो सबसे पहले वो आपका लास्ट आंसर चेक करता है, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है लास्ट आंसर चेक करके. अगर आपको वो लास्ट आंसर सही है तो उसका माइंडसेट बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, उसको लगता है कि स्टूडेंट ने सब कुछ सही किया होगा, वो आपको ज्यादा टाइम लगाता नहीं उस क्वेश्चन पर और आपको ऑलमोस्ट पूरे नंबर मिल जाते हैं उस पर. बट मान लेते हैं कि आपका लास्ट आंसर जो आया वो सही नहीं था. अब ऐसा नहीं कि आपको जीरो मिल जाएगा उसके ऊपर, आपकी स्टेप वाइज भी आपके मार्किंग होती है. अगर आपका लास्ट आंसर सही भी नहीं था बट आपकी प्रेजेंटेशन रीजनेबल थी, आपने सही किया हुआ था, हाउस प्रॉपर्टी नॉर्मल निकाली हुई है आपने, ठीक है, लेट्स से आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम सही आ गई, कैपिटल गेन की इनकम सही आ गई थी, पीजीबीपी मान लेते हैं थोड़ा गलत आ रहा था आपका, तो आपको वो नंबर देगा, एटलीस्ट वो आपके प्रेजेंटेशन से खुश हो जाएगा, तो फिर भी उसके दिमाग में रहेगा कि हाँ स्टूडेंट्स को अक्सर आता है, तो इतने ज्यादा आपके नंबर नहीं काटेगा, राइट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप कोई आंसर कर रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन का कोई आंसर कर रहे हैं बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशन, जहां पर आपने कोई अजम्पशन ली है, प्लीज डू लेट द एग्जामिनर नो कि आपने क्या अजम्पशन लिया. आप ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्टली अपनी अजम्पशन ली और आंसर सॉल्व करके आ गए, नहीं, दैट इज रॉन्ग, ठीक है. वहां पर एग्जामिनर हो सकता है कि अपने दिमाग में उसके पास जो सजेस्टेड आंसर हो वहां पर कुछ कोई दूसरी अजम्पशन हो और आपने कोई दूसरी अजम्पशन लेकर आंसर सॉल्व कर दिया है, दैट इज रॉन्ग. तो आपको हमेशा क्या करना चाहिए, अगर कहीं पर भी आपने अजम्पशन ली है प्लीज उसको नोट वहां पर डालिए कि आई हैव टेकन दिस पर्टिकुलर अजम्पशन व्हाइल सॉल्विंग द आंसर, करेक्ट. तो अजम्पशन जरूर लिखिएगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, यू हैव टू मैनेज योर टाइम. देखिए, हमारे पास 3 घंटे हैं, दैट इज 180 मिनट्स, 100 मार्क्स 180 मिनट्स, हर मार्क को अगर देखा जाए तो 1.8 मिनट्स मिलते हैं. इसका मतलब एक 5 नंबर के क्वेश्चन को ऑलमोस्ट 9 मिनट्स में. तो इस तरीके से अप्रोच रखिए. अब ऐसा नहीं है कि आप किसी क्वेश्चन के ऊपर आप अननेसेसरी बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं. अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं तो आपको पता है कि आपका कोई ना कोई क्वेश्चन फिर छूट जाएगा. तो प्लीज़ अपनी स्पीड को, मैं बोलूँगा कि अपना एक गियर हमेशा आगे रखिएगा, ठीक है. अगर आप 4th गियर में गाड़ी चलाते हो, 5th में 6th में आ जाइए इस बार, ठीक है. थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा शुरू से रखेगा मेंटेनेंस, नहीं कि शुरू में आप धीरे धीरे बहुत ज़्यादा सजा धजा कर अपनी आंसर्स को लिख रहे हैं, नहीं.
शुरू से एक अच्छी स्पीड मेंटेन करके चलनी है। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ओवर स्पीड हो जाएंगे, ठीक है, आप कैलकुलेशन भी चेक नहीं कर रहे अपनी, नहीं, साथ साथ में आपको थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन भी अपनी चेक करते हुए चलिए कि कहीं गलती तो नहीं कर रहा, बट हमेशा कोशिश करिएगा कि 3 घंटे आपको बिल्कुल विराट कोहली की तरह परफॉर्म करना है। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन सबसे इंपॉर्टेंट बात लास्ट में, अपना कॉन्फिडेंस बनाकर रखिएगा। देखिए, आपने इतनी मेहनत करी, आपने हार्डवर्क इतना ज्यादा किया है, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। किस बात की चिंता करते हो आप लोग? अगर देखिए, हमारा इतना ज्यादा सिलेबस है, अगर आपका एक या दो चैप्टर छूट भी गया तो एग्जाम से पहले घबराइए मत। किसी आपके दोस्त ने पूछ लिया, अरे यार उसका उस चैप्टर का भी क्वेश्चन पूछ लिया आपको, वो चैप्टर आपने किया नहीं था, तो आप नर्वस हो जाते हैं, बिल्कुल भी ऐसा मत होने दीजिएगा। जितना कर लिया ना, अपने आप पर विश्वास रखिए, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। मैं तो कहता हूँ कि अगर एग्जाम में उस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन आ भी गया जो आपने इतना अच्छे से नहीं पढ़ा था, या एक बार पढ़ा था बाकी आगे रिविजन नहीं किया था, या बहुत कम आता था आपको, एटलीस्ट कुछ तो लिख कर आइए उसमें। हो सकता है कि 5 नंबर का क्वेश्चन था, हो सकता है 1 नंबर में मिल जाए आपको उस क्वेश्चन में, 1 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। तो अपना कॉन्फिडेंस बना के रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आप कॉन्फिडेंस लूज कर दें कि उसमें से एक या दो क्वेश्चन आ गए तो आपका कॉन्फिडेंस, अरे बाकी भी तो क्वेश्चन है ना, ठीक है। इंस्टीट्यूट चाहता है कि 50 नंबर लाएं, 100 नंबर नहीं चाहते, 50 नंबर आए, 60 नंबर आए, आराम से आ जाएंगे आपके। जब आप अपना कॉन्फिडेंस साथ में रखेंगे ना, आप बिल्कुल बहुत अच्छे से पास हो जाएंगे। विश्वास कीजिए, आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है और इस समय हार्डवर्क बिल्कुल भी लूज नहीं करना है। और आई टेल यू, जो हमारे एग्जाम से एक दिन पहले का दिन होता है ना, इट्स अ गेम चेंजर, आई एम टेलिंग यू। उस दिन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना, ठीक है। उस दिन को आपको मैक्सिमम, आप अपनी चीज़ों को जल्दी जल्दी रिवाइज करने की कोशिश करिएगा जो आपने किया है, और वो दिन बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। अगर आपका एक दिन पहले वाला पेपर इतना अच्छा नहीं भी हुआ है ना, भूल जाइए वो क्या हुआ। अपने नेक्स्ट डे की तैयारी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से करनी है। जो आप एक दिन पहले पढ़ते हैं ना, आपके 6 महीने पहले और एक दिन पहले, 6 महीने अलग एक तरफ है और वो एक दिन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत अच्छे से यूज़ कर लेगा। सफिशेंट स्लीप लेनी है आपको। अब ऐसा नहीं है कि आप सो ही नहीं रहे हैं, एक चक्कर में मैंने बोल दिया कि एक दिन वाला बहुत इंपॉर्टेंट, तो आपने पूरी रात सो ही नहीं और जाकर आप एग्जाम में बैठ गए, ऐसी गलती मत करिएगा। सफिशेंट स्लीप, मिनिमम 6 घंटे की, मैक्सिमम 7 घंटे की। अब ऐसा नहीं कि 8-9 घंटे सो रहे हैं कि बहुत फ्रेश होके जाऊँगा, नहीं, 6 से 7 घंटे की आप स्लीप लीजिएगा, फिर जाइएगा। एक दिन पहले वाला दिन बहुत ज्यादा अच्छे से यूज कीजिएगा। आई एम टेलिंग यू, आप बहुत अच्छे से इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। एंड माई बेस्ट विशेस आर विद यू, ऑल द बेस्ट।